वहीं कठुआ में डेंगू का डंक सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में भी थमने का नाम नहीं ले रहा। डेंगू से 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 10 पहुंच गई है। ताजा मामला घाटी, सोहली और कठुआ शहर के शहीदी चौक के हैं। ऐसा तब है जब पिछले कई दिनों से स्वच्छता के नाम पर बड़े अभियान ग्रामीण, कस्बे और शहरी स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सितंबर की शुरुआत में कठुआ में डेंगू मामलों में इजाफा हुआ था। सीएमओ डॉक्टर अशोक चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि ताजा मामला राजकीय मेडिकल कॉलेज कठुआ के लैब में जाँच के दौरान सामने आए हैं। मरीजों का इलाज फिलहाल जारी है। वहीं डेंगू पॉजिटिव पाए गए मरीजों के घरों के आसपास स्प्रे करने के लिए मलेरिया विंग की टीमों को निर्देश दिया गया है। इस बार थोड़ा सा जल्दी हमारे केसेस आना शुरू हो गए इस हॉस्पिटल में, तो अभी तक नियरली हमने 142 सैंपल्स लिए हैं, जिसमें से 10 सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। और ये सब सारे मरीज जो हैं ये ठीक हैं, इनको दवाइयाँ दी चुकी हैं, दे दी जा चुकी हैं। हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती इसके लिए, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है। और दूसरी तरफ हमने ऐसा किया है कि कठुआ अर्बन टाउन में हमने सारी जो स्प्रेस थी, इंडोर स्प्रेस सब जगह कर दी है। रिसेंटली हमारा पूरा कंप्लीट हुआ और मुझे इससे ये एक आशा रहेगी कि और केसेस ज़्यादा नहीं निकलेंगे, जैसे कि पिछले साल होता था। हम यूजली स्प्रेस करते थे जब केसेस निकलता था तब, लेकिन इस बार हमने पहले स्प्रे शुरू कर दिया है और ख़त्म भी कर दिया है, और मेरी उम्मीद है कि और ज़्यादा केसेस नहीं निकलेंगे।